नदी में सैलाब आ गया। आईफोन मिल जाए ना तो कूच दूं इसको। सबसे पहले एक बहुत अहम बात आप लोग को बता दूं कि सुबह सुबह खजूर खाना बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, तो आप लोग खजूर खा के ही पानी पिया कीजिए सुबह सुबह। अगर खजूर ना मिले तो अलग बात है, सादा पानी ही पीना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खजूर खा के ज़रूर पानी पिया कीजिए। सलाम आदाब दोस्तों, वेलकम टू चैनल, आई होप यू ऑल आर गुड। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मुझको बहुत सारा प्यार दिया है, वीडियोज़ पे व्यूज़ तो आ जाते हैं, लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आती कि वीडियोज़ पे लाइक्स क्यों नहीं आते हैं। 3,000-4,000 व्यूज़ रहते हैं, लेकिन लाइक जो रहता है 300-200-250, तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि लोग वीडियो देख के बस चले जाते हैं। दोस्तों अभी तक आपने मुझको कार ड्राइव करते हुए देखा होगा, इनोवा, या फिर बाइक राइड करते हुए जो कि होंडा यूनिकॉर्न है। ये मेरे पीछे ये कौन सी बाइक है आप लोग बताइए? ये आप लोग इसके कवर पे तो देख रहे होंगे कि नाम लिखा हुआ है यमहा का, लेकिन ये असल कौन सी बाइक है और कितनी सीसी की होगी बाइक, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद मैं इसको रिवील करूंगा कि ये कौन सी बाइक है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं इस वक्त ढंडवारे, मतलब ढंडवारा जिसको बोलते हैं आमतौर से, और बहुत जिद कर रहे थे कि भाई ननिहाल घुमा दीजिए अब्बू। हम भी बोले चले भाई ननिहाल, इन बच्चों को घुमा दे और हम अपनी ससुराल भी घूम ले, बड़ा दिन हो गया है। और आप लोगों से एक बात बता दूं कि मेरी जो ससुराल है ढंडवारा या ढंडवारा, उसकी वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, तो आप लोग ज़रूर जाके देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत इंजॉयफुल वीडियो है, आप लोग देखेंगे हंसेंगे भी और कुछ आप लोग का नॉलेज भी इम्प्रूव होने वाला है, जाके बस देखिए। ये देखिए दोस्तों, 4 दिन की बारिश में क्या हाल हुआ है नदी का। नदी में सैलाब आ गया है और पूरा पानी पूरे फूलपुर में भर चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम लोग फूलपुर पहुंच चुके हैं, खेलते कूदते हंसी मजाक करते बच्चों के साथ खेलते हुए, वक्त कैसे गुजर जाता है कुछ पता चलता नहीं है। और एक चीज़ आप लोग को बता दूँ कि ऑलरेडी मैंने फूलपुर की एक वीडियो बनाया है, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने उस वीडियो में कवर किया है। और नेक्स्ट और वीडियोस बनाने का प्लान है मेरा, तो जल्दी फूलपुर की वीडियो बनाऊंगा। फूलपुर की वीडियो में क्या क्या मैं कवर करूं इसके बारे में मुझको डिटेल में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। किसके साथ खेलोगी? मुर्गा तो काटता है वहाँ पे ना? मुर्गी की छात। अच्छा मुर्गी का, मुर्गा अगर काटेगा तो देसी मुर्गी नहीं काटती, उसकी छात। देखा दोस्तों, इसको पता देसी मुर्गी नहीं काटती, वाह रे वाह, हमको नहीं पता कि देसी काटती कि नहीं काटती, मोहतरमा जान गए अभी से देसी मुर्गी नहीं काटती। फूलपुर का मशहूर शवरमा किंग है और जो बेकरी बाजू में वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, और एक और यहाँ पे रेस्टोरेंट है अलबैक के नाम से, जिसकी ब्रांच है शाहगंज में, मैंने उसकी भी वीडियो बनाया है, तो शाहगंज वाली वीडियो वो भी ज़रूर देख लीजिए। आप लोग सारी वीडियो देखते रहिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग नए हैं वो वीडियो तो सारी वीडियो नहीं देखे होंगे, तो वीडियो जाके ज़रूर देखा कीजिए, जो पुराने हैं वो तो ऑलरेडी देखे होंगे, मुझको ये तो पता है। और आप लोग वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, ये आप लोगों से बहुत ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि 2,000-3,000, 4,000, 5,000 व्यूज़ रहते हैं, लेकिन लाइक 200-300-250 लाइक्स रहते हैं। तो ऐसा ना किया कीजिए, प्लीज़ लाइक करिए या डिसलाइक करिए, कुछ तो करके जाया कीजिए, लेकिन कुछ तो किया कीजिए। और डिसलाइक कर रहे हैं तो बता दीजिए रीज़न, भाई डिसलाइक आपने क्यों किया कमेंट करके बता दिया कीजिए, मतलब कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ तो रिएक्शन आप दिया कीजिए। ये देखिए दोस्तों, फूलपुर बाज़ार को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आगे एक गांव पड़ता है फतगुदिया के नाम से, वहां का इतना खूबसूरत स्कूल है, एक गांव में इतना खूबसूरत स्कूल है, और उन्होंने अपने पूरे स्कूल का नाम इस बिल्डिंग पे देखिए इम्प्रिंटेड करवा दिया, हेरा के नाम से है ये स्कूल, हेरा पब्लिक स्कूल फतगुदिया। देखिए कितना खूबसूरत स्कूल है और बहुत बड़ा है वहाँ तक है, और सारे बस वगैरह सारी चीज़ चलती है, इसकी तालीम वगैरह जो है एजुकेशन लेवल लोग बताते बहुत अच्छा है। Oh, no! ये
आईफोन कसम से सारी चीज अच्छी है इसमें, लेकिन सबसे खराब चीज बताऊं, स्विच ऑफ हो गया फतगुदिया में, वहां से चार्ज पे लगाया और आके शाहगंज में अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। इतना गुस्सा आता है कि सारी चीज पीछे रह गई, दिल तो कर रहा है कि बस आईफोन मिल जाए ना तो कूच दूं इसको। ये शाहगंज का सबसे मशहूर केक सेंटर है, आपको जैसा भी केक चाहिए फ्रेश एकदम क्वालिटी वाला मुंबई की स्टाइल का जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है, लेकिन पैसा जो उनका महंगा रहता है प्राइस भी बहुत वाजिब है और टेस्ट एकदम अल्टीमेट है। मैं जब भी आता हूँ यहाँ ज़रूर टेस्ट करता हूँ। इसका नाम वाइट फॉरेस्ट है, ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है यहाँ का, बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है, सीरियस मैं बता रहा हूँ। ये आप लोगों को नाम दिखा देता हूँ, ये नाम आप लोग देख लीजिए, बेक किंग के नाम से है, खरीदारी कर लिया है। अब यहाँ से ढणवारा जो गाँव है बहुत नज़दीक है, 5-6 किलोमीटर है। अच्छा, गाड़ी में रोजाना सफर कर रही है आजकल, बन्नी तुझको अच्छा लगता है? है। इस पे अप्पू को तो कुछ इनाम देना चाहिए ना? है। तो क्या इनाम दोगी? अच्छा, ये इनाम है। अरे बड़ी चालाक लड़की है। ये छोटी सी बाजार है इमरानगंज के नाम से, जो कि सबरहत गांव की बाजार है, और इस इलाके में सबरहत गांव बहुत बड़ा गांव माना जाता है। मानी और सबरहत दोनों बड़े गांव माने जाते हैं इस इलाके के। अब इनमें से कौन सा ज़्यादा बड़ा है ये तो आइडिया नहीं, लेकिन आई होप कि मानी ही बड़ा होगा। और मानी की भी दोस्तों मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, और सबसे अच्छी बात ये बताऊं, जौनपुर की जितनी भी मैंने वीडियो बनाया था मानी कला की ही वो वीडियो थी जो वायरल गई थी, बहुत ज़्यादा उस पर व्यूज़ आए थे। दोस्तों इसी जगह का नाम है आज़ाद, बाजार का नाम तो कुछ और होगा लेकिन आज़ाद के नाम से मशहूर है। खूबसूरत मदरसा है और स्कूल कॉलेज सारी चीज़ें हैं जो कि एक ही रंग में इन्होंने रंगा है, और स्टाइल भी सब है पुरानी स्टाइल है, बहुत खूबसूरत। ये तो था मदरसा, देखिए लोगों ने अपने शॉप के नाम भी आज़ाद रखा है, और ये देखिए ये है मस्जिद यहाँ की खूबसूरत, इसके अंदर की और डिटेल व्यूज़ मैंने दिया है इससे पहली वाली वीडियो में, चलते रहो। इसके बाद ये देखिए बिल्डिंग, ये इंटर कॉलेज की बिल्डिंग है, सेम कलर है सेम डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये है डिग्री कॉलेज आज़ाद पे, सेम कलर सेम डिज़ाइन। चलिए दोस्तों फाइनली अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं, आई होप कि यहाँ तक की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज़ाद का मदरसा मस्जिद सारी चीज़ देख के बहुत ज़्यादा आप लोग को अच्छा लगा होगा, और जो लोग यहाँ के हैं उनको बहुत पुरानी यादें ताज़ा हुई होगी। इसके लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इंस्टाग्राम पर मुझको ज़रूर फॉलो कीजिए। सो दोस्तों एज ऑलवेज कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू लवली पीपल।